स्वागत है आपका एक बार फिर अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि T20 का मैच, फर्स्ट मैच आज खेला जाएगा 10:30 बजे रात को। यह मैच खेला जाएगा रोज़ बॉल साउथहैम्पटन पे। और यहाँ की बैटिंग, इसी पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग सरफेस है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा पिच है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बाउंस हो सकता है जिससे कि एडवांटेज मिलेगा फास्ट बॉलर्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स डोमिनेटिंग रहेंगे, ये बोल रहा हूँ कि एडवांटेज रहेगा फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाउंस अच्छा खासा मिलता है और अनइवन बाउंस नहीं है। जैसे कि CPL में आपने देखा ही होगा कि अनइवन बाउंस वहाँ पे मिल रहा था, वैसा बाउंस नहीं है, नॉर्मल बाउंस यहाँ पे मिलेगा तो एडवांटेज रहेगा फास्ट बॉलर्स को। वही वेदर रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो लाइट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसा चांसेस नहीं है कि मैच अबैंडन होगा या कम ओवर का होगा, पूरा 40 ओवर्स का मैच हमें देखने के लिए मिल सकता है। वही लास्ट रिजल्ट्स की अगर बात करूँ इस वेन्यू पे, तो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था 2017 में, T20 का मैच था इंटरनेशनल। साउथ अफ्रीका 142/3 और इंग्लैंड 143 पे चेस कर लिया था सिर्फ एक ही विकेट के नुकसान पे, तो 9 विकेट से इंग्लैंड ने यहाँ पे जीता था। बेयरस्टो वहाँ पे 60 नॉट आउट पे थे, विकेट्स आप एक बार देख लो, 4 विकेट गिरे थे जो कि फास्ट बॉलर्स को गए थे। वही काउंटी मैचेस की यहाँ पे अगर बात करूँ मैं काउंटी मैचेस में 2019 में T20 मैचेस खेला गया था मिडिलसेक्स वर्सेस हैम्पशायर का, तो यहाँ से मिडिलसेक्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 153/5 किया और हैम्पशायर 155/2 चेस कर लिया। दो फर्स्ट को किया विकेट गिरा था और 3 स्पिन को फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकेंड इनिंग्स में 1 फर्स्ट और 1 स्पिन को। यहाँ से कौन टॉप परफॉर्मर्स थे, जेम्स विन 66 नॉट आउट और ABD Villiers 52 नॉट आउट। टोटल विकेट 7 गिरा था, 3 फर्स्ट को और 4 स्पिन को। वही एसेक्स और हैम्पशायर की बात करूँ तो एसेक्स 139/7 और हैम्पशायर 139/6, यहाँ पे टाई हो गया था ये मैच। तो विकेट्स देख लो, 6 फास्ट को गिरा था, 1 स्पिन को फर्स्ट इनिंग्स में, और वही सेकेंड इनिंग्स में 2 फास्ट 2 स्पिन 2 रन आउट हुआ था। टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पे डैन लॉरेंस 69, सैम नॉर्थ ईस्ट 73 हैम्पशायर से, और विकेट्स टोटल 13 गिरा था, 8 फास्ट को, 3 स्पिन और 2 रन आउट को। वही एक और मैच की बात करूँ तो सोमरसेट वर्सेस हैम्पशायर की, यहाँ पे सोमरसेट 202/4 और 4 विकेट इनके इनिंग्स में गिरा था, 4 फास्ट को गए थे, और हैम्पशायर वही 69/6 पे हो गया था। ये बारिश के कारण DLS का मैच हो गया था, बारिश के कारण कम ओवर हो गया था, तो 12.5 ओवर्स पे हैम्पशायर 69/6, 4 फास्ट को, 1 स्पिन को और 1 रन आउट हुआ था। विकेट्स 10 गिरे थे, 8 फास्ट, 1 स्पिन, 1 रन आउट। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि विकेट्स किसको ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकेट सिर्फ फास्ट बॉलर्स को जाएगा, विकेट्स यहाँ पे स्पिनर्स को भी मिल रहा है, तो ध्यान में रख के चले। यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल्स रखा हुआ है, काउंटी मैचेस का 3 मैचेस का डिटेल्स रखा हुआ है, तो आप इसमें से देख सकते हो कि फास्ट बॉलर्स कितना लिया है और स्पिनर्स ने कितना विकेट लिया है। वही मैं वार्म अप की अगर मैचेस करूँ ना इसी ग्राउंड पर, वार्म अप का हुआ था फिंच 11 वर्सेस कमिंस 11, यानी कि फिंच का एक टीम था जो कि फिंच 11 टीम नाम से था और कमिंस का एक टीम था जो कि कमिंस 11 नाम से था। तो फिंच 11 ने यहाँ पे 150 अलॉट हो गए थे 20 ओवर पे, और कमिंस 11 60/0 5.5, बारिश आ गया था तो कमिंस 11 को सिर्फ 5.5 ओवर या 6 ओवर खेलने का चांस मिला था, जिसमें उन्होंने 60 रन भी किया था। फिंच यहाँ से 40 रन किए थे, वार्नर 42 और वेट 36 नॉट आउट। विकेट्स की बात करूँ तो कमिंस 2 विकेट, रिचर्डसन 2 विकेट और जंपा 2 विकेट, यानी कि देखो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स 4 विकेट और स्पिनर 1 विकेट, 2 विकेट निकाला हुआ है। वही सेकंड मैच की बात करूँ तो फिंच 11 से 166/8 20 ओवर में, और कमिंस 11 चेस नहीं कर पाए 143/6। फिंच यहाँ से 53 करके गए, वेट 50, कैरी 50, तो यहाँ से आप देख सकते हो फिंच का और वेट का नाम यहाँ पे भी है, फिंच और वेट का नाम यहाँ पे भी है। यहाँ पे वार्नर का नाम था लेकिन यहाँ पे कैरी का नाम है। कैरी 50 नॉट आउट पे थे, एस्टन अगर 3 विकेट, डैनियल सैम्स 2, एंड्रयू टाई 2, मतलब यहाँ पे भी स्पिनर को विकेट मिला और फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिला है, और मिचेल मार्श को भी 2 विकेट मिला था उस मैच में। वही थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो फिंच 11 229 स्कोर करते हुए निकल गए यहाँ पे 3 विकेट के नुकसान पे, और कमिंस 11 ने भी अच्छा फाइट दिया था वहाँ पे, 197 पे ऑल आउट हो गए थे, मतलब यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच चला था। ये फर्स्ट का 2 उतना हाई स्कोरिंग नहीं था, थर्ड मैच आप देख सकते हो हाई स्कोरिंग था, जहाँ पे लाबुशचेन ने 100 रन किए थे, कैरी 107 और स्टॉइनिस 68, नथन लायन को 4 विकेट, डैनियल सैम्स को 3 विकेट, तो ये भी एक स्पिनर फास्ट बॉलर का कॉम्बो बन गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि पिच पे दोनों को विकेट मिल रहा है, फिर स्पिनर प्लस पेसर्स को। अगर गिव अवे की बात करूँ तो ड्रीम इलेवन में हमारा एक छोटा सा गिव अवे होने वाला है, इसका डिटेल्स मैं आपको नीचे वीडियो के अंत में या वीडियो के बीच में आपको मैं बता दूंगा। आप
उसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप इजीली जुड़ सकते हो। हटके प्रेडिक्टर ड्रीम इलेवन फ्री टीम्स के नाम से है, और पूरा वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल का और स्टैट्स का भी, जो सारे प्लेयर्स हैं सारे प्लेयर्स का स्टैट्स भी आपको दिया हुआ है। तो चलो अभी इंग्लैंड प्रोबेबल इलेवन बात कर लेते हैं। जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर ओपन करते हुए दिखेंगे, जॉस बटलर कन्फर्म है ओपन करेंगे, इयान मॉर्गन ने कहा है। और वन डाउन पे डेविड मलन, इयान मॉर्गन दिख सकते हैं, मुइन अली, सैम बिलिंग, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, मार्कवुड, ये 11 प्लेयर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। टॉम बेंटन, जॉय डेली और टॉम करन मेरे हिसाब से बेंच में रहेंगे। टॉम करन को चांस मिल सकता है अगर यहाँ पे इंग्लैंड मार्कवुड को नहीं खिलाना चाहे, तो टॉम करन मार्कवुड की जगह पे या जोफ्रा आर्चर की जगह पे टॉम करन खेल सकते हैं। वही इनके करियर स्टैट्स देख लो T20 का, मैं इसका कुछ उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा, आप चाहो तो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके रेफ़र कर सकते हो। जॉनी बेयरस्टो 107 इनिंग्स 2469 रन्स, बटलर 231 5782 रन्स, वही मलन का 5500 रन है 198 इनिंग्स में, मॉर्गन का 6180 267 इनिंग्स में, मलन ने विकेट भी निकाला हुआ है 23 विकेट्स। टॉम बेंटन ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, 36 इनिंग्स 1081 रन्स, एवरेज इनका बहुत अच्छा है 31 का। मुइन अली 152 मैचेस 3463 रन्स, 25 का एवरेज है, 109 विकेट भी निकाला हुआ है। सैम बिलिंग्स 172 मैचेस 161 इनिंग्स 3177 रन्स, अब ये मत पूछना कि भाई सैम बिलिंग्स ने 172 मैचेस कहाँ खेलिए, ये टोटल T20 का रिकॉर्ड है और सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स नहीं है, टोटल T20 करियर इन्होंने जितना भी मैचेस खेला है सारे लीग्स में उसका ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। जॉय डेनली 206 मैच 190 इनिंग्स 5057 रन्स, 27 का एवरेज है, 31 विकेट्स निकाला हुआ है। वही सैम करन ने 63 विकेट्स निकाला है प्लस 838 रन्स भी किया है। जोफ्रा आर्चर 95 मैचेस में 121 विकेट्स, क्रिस जॉर्डन 195 मैचेस 209 विकेट्स, आदिल रशीद 173 मैचेस में 193 विकेट्स, वही मार्कवुड 29 मैचेस में 35 विकेट्स, टॉम करन 123 में 151 विकेट्स। तो एक बार आप इनको पॉज करके आप आराम से एक बार देख सकते हो, इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर आपके लिए अच्छा रहेगा पिक करने के लिए इंग्लैंड से। और चलो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोबेबल 11 हो सकता है, डेविड वार्नर और एरन फिंच ओपन करते हुए दिखेंगे, वन डाउन पे स्टीवन स्मिथ, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स केरी, एस्टन एगर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन और एडम झंपा। इनका स्क्वाड बहुत बड़ा है, 21 मेंबर्स का इनका स्क्वाड है, तो प्रोबेबल 11 एग्जैक्ट बताना मुश्किल रहेगा, यहाँ पे कोई भी दूसरा प्लेयर यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो बेंच में कितने प्लेयर हैं, मैथ्यू वेड है, मर्नस लबुसचेन है, मिचेल मार्श, डैनियल सैम्स, जोश फिलिप आपको RCB से इस बार IPL खेलते हुए दिखेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर है जोश फिलिप भी, सीन अबाउट जोश हेजलवुड, नथन लायन, रिली मेरेडिथ और एंड्रू टाई को चांस मिल सकता है, लेकिन किसकी जगह पे बताना मुश्किल है। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 क्या होगा, वो टॉस और लाइनअप्स के बाद ही हमें पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का करियर T20 स्टैट्स बात करूँ तो डेविड वार्नर 279 इनिंग्स 9218 रन्स है, एवरेज 37 का है, तगड़े प्लेयर है, इनके बारे में मैं कुछ बताना भी नहीं चाहूँगा, आपको पता है कि डेविड वार्नर और एरन फिंच अगर रुक गए क्रीज पे तो कितना स्कोर वहाँ पे बढ़ सकता है। एरन फिंच का 279 इनिंग्स 8914 रन्स, 36 का इनका भी एवरेज है। वही स्टीवन स्मिथ की बात करूँ तो 165 इनिंग्स में 4014 रन 31 की एवरेज से। ग्लेन मैक्सवेल 251 इनिंग्स 5983 रन 27 का एवरेज है। स्टोइनिस का 101 इनिंग्स 2430 रन 32 का एवरेज है। एलेक्स केरी का भी एवरेज मुझे बहुत अच्छा लगा, एलेक्स केरी का 60 इनिंग्स में 1621 रन्स है 31 का एवरेज है। वही एस्टन एगर की बात करूँ तो 93 मैचेस में 839 रन्स किया है और 70 विकेट निकाला हुआ है। पैट कमिंस 80 मैचेस में 96 विकेट्स और मिचेल स्टार्क 94 मैचेस में 140 विकेट्स। केन रिचर्डसन 107 मैच 127 विकेट। एडम झंपा 147 मैचेस 169 विकेट्स। और वही मैथ्यू वेड की बात करूँ तो 127 मैचेस में 109 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग किया है, 2451 रन्स इन्होंने किया है। एवरेज इनका मुझे थोड़ा कम लगा 27 है, एलेक्स केरी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो इनका एवरेज थोड़ा कम है, लेकिन मैथ्यू वेड वन ऑफ माई बेस्ट प्लेयर्स है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स है ऑस्ट्रेलिया से, बहुत अच्छा बैटिंग करता है मैथ्यू वेड। लबुसचेन की बात करूँ तो लबुसचेन भी बहुत अच्छा प्लेयर है, 10 मैच 9 इनिंग्स 97 रन किया हुआ है, 12 का एवरेज है, 1 विकेट निकाला हुआ है। T20 में उतना चांस नहीं मिला है लेकिन ODI और टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लबुसचेन का। मिचेल मार्श 91 मैचेस 84 इनिंग्स 1913 रन 37 का इनका एवरेज है और विकेट्स भी 49 निकाला हुआ है।
डैनियल सैम्स 37 मैचेस 52 विकेट्स 231 रन्स। और जोश फिलिप की अगर बात करूँ तो देखो 32 मैचेस में 798 इन्होंने स्कोर किया है और एवरेज भी इनका बहुत अच्छा है 33 का। सीनेबॉट का मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया स्टैट्स, मैं आपको वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा सीनेबॉट्स का जो भी स्टैट्स रहेगा, अगर खेलते हैं तो मैं इनका स्टैट्स आपको ज़रूर शेयर करूँगा। जोश हेज़लवुड 35 मैचेस 42 विकेट्स, नथन लायन 46 मैचेस 54 विकेट्स, रिली मेरेडिट 21 मैचेस 27 विकेट्स और एंड्रयू टाई 142 मैचेस 194 विकेट्स। तो चलो अभी बात कर लेते हैं साउथहैम्पटन ग्राउंड पे इनका क्या स्टैट्स रहता है कि प्लेयर्स का किस प्लेयर्स का अच्छा स्टैट्स है यहाँ पे। पहले तो मुझे बहुत अच्छे लगे एरोन फिंच, एक मैच में 156 रन सिर्फ किया है वो, T20 में हाईएस्ट स्कोर है इनका 156 एक ही मैच में कर दिया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे इस ग्राउंड पे। जॉस बटलर 3 मैच 2 इनिंग्स 100 रन किया, हाईएस्ट 73 नॉट आउट। जॉनी बेयरस्टो 2 मैच 1 इनिंग्स में ही 60 रन किया हुआ है। इयान मॉर्गन 2 इनिंग्स में 47 रन और मैथ्यू वेड 1 इनिंग्स में 15 रन। विकेट्स की अगर बात करूँ तो जॉर्डन ने 2 मैच में 3 विकेट निकाला है, मार्कवुड 1 मैच में 2 विकेट और हेज़लवुड 1 मैच में 2 विकेट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, गिव अवे कोड के लिए वगैरह, गिव अवे का क्या इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ जानने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। हटके प्रेडिक्टर ड्रीम इलेवन फ्री टीम्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वही हेड टू हेड प्लेयर रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो जब आपस में लोग भिड़ते हैं तो इनका कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा देता है यहाँ पे। एरोन फिंच मैचेस 9 इनिंग्स 9 रन 455 हाईएस्ट 156। ग्लेन मैक्सवेल 9 इनिंग्स 260 रन हाईएस्ट 103 नॉट आउट। इयान मॉर्गन 11 मैच 11 इनिंग्स 247 रन हाईएस्ट 74। जॉस बटलर हाईएस्ट 61 का रन 209 इनिंग्स में, थोड़ा इनका कम है जॉस बटलर का, लेकिन इस मैच में ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे ये मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते थे जॉस बटलर, लेकिन अभी ये ओपन करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर करते हुए हमें दिख सकते हैं। और आप जानते भी हैं कि जॉस बटलर ओपन करते हैं तो कितना इनका एवरेज और रन्स भी बढ़ जाता है, और यहाँ पे उतना कोई तगड़ा स्पिनर नहीं है कि जॉस बटलर को आउट कर सके, लेकिन स्टार्क और कमिंस कुछ कर सकते हैं लेकिन उतना कुछ खास कर नहीं पाएंगे जॉस बटलर के अगेंस्ट पे। डेविड वार्नर की बात करूँ तो 9 मैच 9 इनिंग्स 159 रन 53 इनका हाईएस्ट है। वही स्टीवन स्मिथ 4 मैच 4 इनिंग्स 119 रन हाईएस्ट 90 का। विकेट्स की बात करूँ तो जॉर्डन ने 6 विकेट निकाला हुआ है 4 मैच में, ग्लेन मैक्सवेल ने 6 निकाला है 9 मैचेस में, आदिल रशीद 4 मैच 4 विकेट और मिचेल स्टार्क 3 मैच 3 विकेट, पैट कमिंस 1 मैच 2 विकेट। वही प्लेयर बैटल की अगर बात करूँ तो कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट पे स्ट्रगल करता है या फिर अच्छा खेल लेता है। एरोन फिंच का अगर देखोगे क्रिस जॉर्डन के सामने T20 में 2 बार आउट हो चुके हैं, बॉल्स 48 रन 66। ODI में 2 बार आउट हो चुके हैं, बॉल्स 89 रन्स भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं, विकेट दे देते हैं लेकिन क्रिस जॉर्डन को। वही आदिल रशीद के अगेंस्ट में बात करूं तो 7 बॉल खेले हैं, फेस किए हैं, 7 रन किया है, एक बार विकेट दिया है 7 बॉल में। और ODI की अगर बात करूँ तो 131 बॉल्स फेस किया है, 132 रन्स किया है, 4 बार आउट कर चुके हैं आदिल रशीद एरोन फिंच को। वही टॉम करन की बात करूँ तो यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आदिल रशीद थोड़ा लेट आएंगे बॉलिंग करते हैं, एरोन फिंच ओपन करते हैं तो आदिल रशीद के आने से पहले ये थोड़ा बहुत स्कोर कर ही लेंगे। वही टॉम करन की अगर बात करूँ तो 4 बॉल 9 रन 1 विकेट ODI में। डेविड वार्नर मोइन अली के अगेंस्ट में 2 बार आउट हो चुके हैं 59 बॉल्स में, 45 रन सिर्फ किया है ODI में, तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं डेविड वार्नर मोइन अली के अगेंस्ट। स्मिथ की बात करूँ मोइन अली के सामने 126 बॉल्स 129 रन विकेट्स 3 ODI के अंदर। वही आदिल रशीद के अगेंस्ट बात करूँ तो 11 बॉल 18 रन 0 विकेट नहीं दिया। फिर यहाँ पे ODI में 131 बॉल्स 99 रन विकेट 5 बार आउट हुए हैं ODI में। वही मैक्सवेल की बात करूँ तो मैक्सवेल का उतना कुछ स्ट्रगल मुझे लगा नहीं आदिल रशीद के अगेंस्ट, 33 बॉल 66 रन विकेट 0, T20 में विकेट नहीं दिया। फिर यहाँ पे 87 बॉल्स 105 रन विकेट 0, ODI में भी विकेट नहीं दिया मैक्सवेल ने। वही क्रिस जॉर्डन के अगेंस्ट 22 बॉल में 37 रन स्कोर किया है, 2 बार आउट हो चुके हैं T20 में, तो अगर क्रिस जॉर्डन को फेस करेंगे तो स्कोर भी करते हुए दिख सकते हैं और विकेट भी देते हुए दिख सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि रन नहीं बनाएंगे, रन भी बनाएंगे और विकेट भी देने का चांसेस रहेगा। वही बेयरस्टो की बात करूँ तो बेयरस्टो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट 53 बॉल्स 59 रन 3 बार आउट हो चुके हैं ODI में। एडम जंपा के अगेंस्ट 24 बॉल 21 रन 1 विकेट, एडम जंपा के अगेंस्ट इनका थोड़ा स्ट्रगल लगा है बेयरस्टो का, देखते हैं कि इस मैच में क्या होने वाला है। बटलर का भी मुझे स्ट्रगल लगा था एडम जंपा के सामने, 6 बॉल 7 रन 1 विकेट T20 में।
वही मॉर्गन की बात करूँ तो पैट कमिंस के सामने 136 बॉल्स 98 रन्स, चार बार आउट हो चुके हैं ओडीआई में, थोड़ा स्ट्रगल है, 10 बॉल 16 रन, एक बार आउट हो चुके हैं टी ट्वेंटी में। वही स्टार्क के सामने मॉर्गन 97 बॉल 62 रन्स, विकेट्स 3 ओडीआई में, और 5 बॉल 9 रन 1 विकेट टी ट्वेंटी में। तो आप देख सकते हो मॉर्गन का थोड़ा स्ट्रगल है पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के सामने, लेकिन मिचेल स्टार्क को फेस करना मुश्किल रहेगा मॉर्गन, क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर शुरुआत में ओवर करके निकल गए तो फिर डेथ में ही आपको दिखेंगे, लेकिन पैट कमिंस आपको शुरुआत प्लस बीच में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। डेथ में पैट कमिंस का रोल नहीं रहेगा, मिचेल स्टार्क के साथ केन रिचर्डसन मेरे हिसाब से डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। गिव अवे की मैं बात कर रहा था, गिव अवे का डिटेल यहाँ पे है। 100 स्पॉट्स का प्रैक्टिस कंटेस्ट रहेगा ड्रीम 11 पे, कोड आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा शार्प 7 बजे, तो टेलीग्राम पे जुड़ना जरूरी रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहाँ से जुड़ जाओ। अगर टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो हमारे और सारे बहुत सारे गिव अवेस आएंगे फ्यूचर में, जिसका डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। विनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा कुछ, तो टॉप 5 विनर्स रहेंगे, फर्स्ट रैंक को 100 रुपये मिलेगा, सेकेंड रैंक को 60 रुपीस, थर्ड रैंक को 20 रुपये, फोर्थ और फिफ्थ रैंक पर जो आएगा उनको 10-10 रुपये दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि फोर्थ को 10, फिफ्थ को 10। विनर्स को स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा टेलीग्राम पे हटके प्रेड पे, इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा कि कहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट जैसे ही मिल जाएगा हमारी तरफ से वेरीफाई करने के बाद गूगल पे या फोन पे पे अमाउंट आपको मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ हमारी ड्रीम इलेवन टीम क्या होने वाली है, तो मेरी कुछ टीम ऐसी रहने वाली है, यहाँ से मैंने जॉस बटलर को पिक किया है, आप चाहो तो जॉनी बेयरस्टो को भी पिक कर सकते हो, यॉन मॉर्गन, एरॉन फिंच, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को लिया हुआ है, मोइन अली, सैम करन, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस जॉर्डन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। मैं यहाँ पे आदिल रशीद को लेना चाहता था लेकिन क्रेडिट्स नहीं था मेरे पास, तो मुझे सैम करन लेना पड़ा। आप अगर क्रेडिट्स मैनेज कर सकते हो तो आप आदिल रशीद ले सकते हो, अगर ग्लेन मैक्सवेल ड्रॉप कर दोगे तो आराम से आदिल रशीद को पिक कर सकते हो और वहाँ पे आपको क्रेडिट मैनेज हो जाएगा। कैप्टन मेरा एरॉन फिंच रहेगा, वाइस कैप्टन जॉस बटलर। इसमें कुछ अगर चेंजेस होता है लाइनअप्स के बाद तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। और एक बात याद रखना, मैं कोई टीम प्रोवाइडर नहीं हूँ, मेरी टीम कॉपी मत करना, स्टैट्स वगैरह प्रीव्यू वगैरह देख के आप अपनी टीम के साथ जाओ, अपने दिल की सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टीम 100% जीतेगा, ये टीम हार भी सकता है और जीत भी सकता है, 100% कुछ बता नहीं सकते, फैंटेसी है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको अफगान T20 का जो भी शबकीजा मैचेस का आ रहा है उसका भी स्टैट्स आपको कल मिल जाएगा और वुमेन्स मैचेस भी कवर किया जाएगा 50 ओवर का। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।